तो हमारी स्किन या तो परमानेंट, मैंने भी एक दो बार वो क्रीम लगाई कि एरिया है वो पूरा ब्लैक हो चुका है। ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी और बात करूंगी जो स्किन पे ब्लीच करवाते हैं लोग या फिर स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और हमें वो क्रीम्स क्यों यूज नहीं करनी चाहिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड और अगर आप भी ब्लीच कर रहे हैं अपनी स्किन को, स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज कर रहे हैं, तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और उसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। एंड येस, अगर चैनल पे नए हैं तो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड वेन एवर आई पुट अ वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। जो स्किन ब्लीचिंग क्रीम्स होती है यानी कि मार्केट में फेम नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है और हम सब ने अपनी लाइफ में लगा ही लेते हैं, लड़कियां खासकर, तो मैंने भी लगाई है मगर बहुत साल पहले। और उससे हमारी क्या होती है, हमारी जो स्किन के सरफेस के बाल होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं यानी गोल्डन कलर के हो जाते हैं, तो हमें लगता है हमारी स्किन बहुत ही फेयर हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। ओके, और कुछ क्रीम्स होती हैं जिनसे जो दावा करती हैं कि हमारी स्किन को गोरा कर देंगी। ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो हमारी स्किन को गोरा कर सके। हमारी स्किन को सिर्फ वो, हमारी स्किन पर से जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, हमारी स्किन पे डेड स्किन होती है, उसको कम करती है, पिगमेंटेशन को कम करती है, बट हमें गोरा नहीं करती है। हो सकता है हमारी स्किन पे सन टैनिंग है तो उसे भी उतारती है तो हमें लगता है कि हम गोरे हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारी स्किन साफ होती है, डार्क स्पॉट्स हटते हैं, पिगमेंटेशन हटती है, सन टैनिंग हटती है, बट गोरा नहीं करती है। आपको पता है ये क्रीम्स इतनी ज्यादा हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए गाइस। ये चीज मैंने भी काफी लेट समझी क्योंकि मैंने भी अपनी स्किन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। अभी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि थैंक गॉड मेरी स्किन के साथ इतना कुछ नहीं हुआ, बच गई मेरी स्किन, वरना मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। ब्लीचिंग उनमें से एक है। और जो लोग बिना पूरी इन्फॉर्मेशन लिए ये स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं बहुत बहुत गलत है। प्लीज आप कोई भी स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं उसे रोक दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है मैं तो अभी भी यूज करना चाहता हूं या चाहती हूं तो कैरी ऑन, बट एक बार वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और आप खुद देखना क्या वो क्रीम आपके लिए सही है। गाइज, जो भी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, जेल्स होते हैं, ब्लीच होती हैं, वो सारे स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं। स्टेरॉइड होते हैं और हमारी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं अगर हम उन्हें यूज करते रहते हैं तो। पहला साइड इफेक्ट है, अगर हम ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं या फिर ब्लीच यूज करते हैं तो हमारी स्किन या तो परमानेंटली डार्क हो जाती है या फिर कुछ ज्यादा ही वाइट हो जाती है यानी कुछ ज्यादा ही लाइट हो जाती है। मान लीजिए आप फेस पर ब्लीच यूज करते हैं या फिर अपनी कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं तो आपकी स्किन पर वाइट पैचेस बन जाएंगे। जो आपने, मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर रही हूं तो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूं। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पे वाइट पैचेस बन सकते हैं या फिर आपकी स्किन ज्यादा डार्क हो सकती है। ये क्रीम्स अगर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं तो ही यूज करें, उनकी सुपरविजन में ही आपको ये चीजें यूज करनी है। अदरवाइज आपको किसी के कहने पर कि मेरे फ्रेंड ने बोल दिया था या फिर मेरी बहन ने बोला या किसी ने भी बोला, नहीं यूज करनी है। आपको डॉक्टर बोले तो ही यूज करनी है, वरना आपकी स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कभी भी ठीक नहीं होंगी। सो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये सब चीजें मतलब बिल्कुल साइड कर दीजिए, इनको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड है, हमारी स्किन पतली हो जाती है यानी ओवर टाइम अगर हम ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं अपनी स्किन पे, फेम ब्लीच और मतलब लगाते ही रहते हैं तो ओवर टाइम हमारी स्किन जो है वो पतली हो जाती है। पतली होने के साथ साथ उस पर काफी रिंकल्स पड़ जाते हैं। आपको बहुत सोच समझ के क्रीम्स यूज करनी है। हम जब यंग होते हैं तो हमारी स्किन पे इतनी जल्दी कोई चीज साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती है, बट वो धीरे धीरे हमारी स्किन को इतना डैमेज कर देती है। अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा ब्लीच यूज कर चुके हो, आप बहुत सालों तक यूज कर चुके हो या फिर स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज कर चुके हो तो वो साइड इफेक्ट आपको काफी टाइम बाद भी देखने को मिल सकता है आपकी स्किन पर।
थर्ड साइड इफेक्ट है स्कारिंग। हमारी स्किन पे जो भी पिंपल्स होते हैं, सिस्टिक एक्ने होते हैं, वो इजीली स्कार छोड़ देता है अगर हम स्किन पर स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं या फिर ब्लीच यूज करते हैं तो। क्योंकि ये सारी क्रीम जो हमारा स्किन का बैरियर होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी कोलाजिन प्रोडक्शन इन सबको इंटरप्ट करके रख देते हैं, यानी उनको अच्छे से काम नहीं करने देते हैं। तो हमारी स्किन पे जब भी कोई एक्ने होता है तो वो इजीली स्कार छोड़ देता है, और स्कार मतलब गड्ढा, डार्क स्पॉट होते हैं जो कि हमारी स्किन पे ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं, बट जो स्कार होता है वो गड्ढा होता है जो कि इतनी इजीली ठीक नहीं होता है, और आपको डॉक्टर से बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो गड्ढा थोड़ा सा सही दिखने लगता है, मगर वो गड्ढा पूरा ठीक कभी नहीं हो सकता है। फोर्थ है, ये क्रीम्स और ब्लीच हमारी आईज की जो नर्व्स और टिश्यूज है उनको परमानेंटली डैमेज कर सकता है। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, हम अपनी स्किन को थोड़ा सा गोरा दिखाने के चक्कर में हमारी स्किन में कितनी सारी खतरनाक चीजें लगाते हैं जिनकी साइड इफेक्ट्स के बारे में हमें पता भी नहीं होता है। ओवर टाइम अगर हम ये चीजें यूज करते रहते हैं हमारी आईज की जो नर्व्स होती है, टिश्यूज होती है, वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। ब्राइट क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए जब तक डॉक्टर ना बोले। डॉक्टर को पता है कब तक लगानी है, क्यों लगानी है, वो ना बोले तो कभी नहीं लगानी है हमको। फोर्थ है पिगमेंटेशन और फ्रिकल्स एंड डार्क स्पॉट्स। अगर हम स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं और ब्लीचेस यूज करते हैं तो हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन हो सकती है जो कि कभी नहीं जाएगी, चाहे आप कुछ भी क्रीम लगा लीजिए कभी नहीं जाएगी, वो हमारी स्किन में अंदर तक हो जाती है जो हम कभी ठीक नहीं कर पाते हैं। आप बिल्कुल अवेयर रहें, आप अपनी स्किन को अच्छा बनाने के चक्कर में, यानी गोरा बनाने के चक्कर में, गोरा अच्छा नहीं होता है, मतलब सारी स्किन टाइप्स और सारे स्किन कलर्स अच्छे हैं, आपको अपने स्किन कलर से प्यार करना चाहिए, उसे अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहिए, बट उसे गोरा बनाने के चक्कर में आप अपना इतना नुकसान कर देंगे कि जैसे आप पहले थे आप उससे खराब कर लेंगे अपनी स्किन को। और फिर जब हमारी फेस की स्किन खराब हो जाती है तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, मतलब काफी सब लोग जानते हैं हमारी फेस पे एक्ने हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, तो हमें कितना स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन सा फील होता है। तो प्लीज ऐसी कोई भी चीज मत लगाएं फालतू में, बिल्कुल कोई चीज लगानी नहीं है फेस पे जब तक डॉक्टर आपको ना बोले। अपना दिमाग नहीं चलाना है, ये ब्लीचेस जो भी आते हैं मार्केट में बिल्कुल साइड कर दो, इनका जो इफेक्ट होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद जो इसके डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। ये स्किन हमें हमेशा संभाल के रखनी है, हमारी स्किन है ये, उसे नेचुरल चीजों से ठीक करो, और जो भी बहुत अच्छी क्रीम्स आती है मार्केट में उनसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं अपनी स्किन को, बट आप ये जो स्टेरॉइड्स क्रीम्स हैं, ब्लीचेस हैं, इन्हें बिल्कुल यूज नहीं करना है। और गाइस अगर आपको लग रहा है कि मैंने तो इतने सालों से ब्लीच यूज कर रही थी या फिर स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज कर रही हूँ, तो डू वन थिंग, आप पैनिक मत हो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उन क्रीम्स को बिल्कुल मतलब फेंक दो, वो किसी काम की नहीं है, उन्हें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किन पे अभी डेली सनस्क्रीन लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, अपनी स्किन पे डेली विटामिन सी सीरम लगाएं, जिससे आपके स्किन का जो बैरियर है, कोलेजन प्रोडक्शन है, वो दोबारा से बनने लगेगा। आपके स्किन पे कोलेजन का बनना बहुत जरूरी है और आपके स्किन पे बैरियर क्रिएट करेगा विटामिन सी। और अपनी स्किन पे सनस्क्रीन डेली लगानी है, क्योंकि आपने स्टेरॉइड क्रीम्स लगाकर अपनी स्किन को डैमेज तो कर लिया, अब आप सन डैमेज कर रहे हैं जो कि डबल डैमेज हो जाएगी आपकी स्किन। इसलिए सनस्क्रीन मतलब हर दिन लगानी है, अगर आप घर के अंदर रहते हो तो भी, अगर बाहर जाते हो तो पक्का ही लगानी है। तो सनस्क्रीन लगाकर कम से कम सन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो, और बाकी ट्रीटमेंट जो है विटामिन सी मॉइस्चराइजर लगाकर अपनी स्किन को हील करो, और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट आगे से वो क्रीम्स अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल यूज मत करना। एक पेंड्रम प्लस करके एक दवाई आती है, एक ट्यूब आती है, मेरी फ्रेंड थी एक, उसने मुझे बताया था कि इससे ना हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ट्रस्ट मी मैंने भी एक दो बार वो क्रीम लगाई, क्योंकि मुझे उस टाइम थोड़े, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे एक्ने तो थे ही बट डार्क स्पॉट्स तो बहुत ही ज्यादा थे, तो मैंने भी वो क्रीम लगाई, बट होता है ना जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे तो मैंने उसे छोड़ दिया, मगर अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया। मेरी फ्रेंड वो लगाती रही
और ट्रस्ट मी, आज उसका जो चीक एरिया है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब परमानेंट डैमेज हो गई है वो स्किन। और अब मुझे बोलती है कि मैंने वो क्रीम लगा करना बहुत बड़ी गलती की। एंड सी, मेरे जो डार्क स्पॉट्स थे, मेरे जो भी एक्ने थे, वो सारे चले गए और आज मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बट उसकी स्किन पूरी डैमेज हो चुकी है, जो कि बिल्कुल मतलब लाइक वो ठीक होने की हालत में नहीं है। सो प्लीज़, ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि ये सारी क्रीम्स बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को लिटरली परमानेंट डैमेज कर देगा। फिर आप कुछ भी करते रहेंगे, कभी ठीक नहीं होगी। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी स्किन पे डैमेज हो चुका है उसको हम कैसे रिकवर करें, उससे अपनी स्किन को कैसे रिकवर करें, तो आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में खूब सारे कमेंट्स आएंगे इस रिलेटेड, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट अ लाइक, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Oh.